बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप ये सब पार्टीज तो जानते होंगे, बट एनडीए, यूपीए, इंडिया अलायंस क्या है और कब बनी है, चलिए समझते हैं। जब कोई दो या दो से अधिक पार्टी साथ में इलेक्शन लड़ते हैं या सरकार बनाने के लिए साथ आते हैं तो उसे अलायंस या गठबंधन कहते हैं। 1998 में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने एनडीए का गठन किया था। उस समय इसमें 16 पार्टियां थी और आज एनडीए में बीजेपी के अलावा 38 और पार्टियां हैं। 2004 के चुनाव में कांग्रेस को 145 और एनडीए, जो बीजेपी लीडिंग पार्टी थी, उसे 138 सीट मिली थी। जिसके बाद कांग्रेस ने 14 पार्टियों के साथ मिलकर यूपीए का गठन किया, जिसमें सोनिया गांधी और हरकिशन सिंह सुरजीत की अहम भूमिका रही। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के अगेंस्ट 26 पार्टियों ने मिलकर इंडिया अलायंस का गठन किया है, जिसे कांग्रेस लीड कर रही है और इसमें लगभग सारे विपक्षी दल शामिल हैं। वैसे तो 1998 में एनडीए जीती थी और 2004 में यूपीए, और अब 2024 इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस बना है। तो आपको क्या लगता है, इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है, एनडीए या इंडिया अलायंस?